नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 vs Moto G30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M3 में 6.39 इंच जबकि Moto G30 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 में 3.04 इंच जबकि Moto G30 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco M3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 में 0.38 इंच जबकि Moto G30 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 197 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Poco M3 में 19:5:9 जबकि Moto G30 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 में 6.53 इंचेस जबकि Moto G30 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M3 में 1080x2340 और Moto G30 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 में 83.25% जबकि Moto G30 में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Moto G30 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Moto G30 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M3 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto G30 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Moto G30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 11 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M3 में 6 GB जबकि Moto G30 में 4 GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64 GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M3 में अप टू 512 GB जबकि Moto G30 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M3 में Android V10 क्यू जबकि Moto G30 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco M3 में 6000 mAh जबकि Moto G30 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco M3 में 3 कलर्स जबकि Moto G30 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M3 की 11,499 रुपीज जबकि Moto G30 की 10,999 रुपीज प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Poco M3 में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G30 की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में मोटो G30 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Narzo 20 है जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Poco M2 है जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F12 है जो कि 8,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।